हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुष्पेंद्र कुमार फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा इन सिविल डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक एम्बिएंट एयर क्वालिटी एंड इमिशन स्टैंडर्ड, in which we discussed about Air Act, which is established in 1981 by Central Pollution Control Board, and guidelines of WHO, World Health Organization. Today we will discuss on the topic air pollution indices, Vayu Pradushak Suchkank. स्टूडेंट्स, बात करते हैं एयर पोल्यूशन इंडिसेस की, कि जो वायु प्रदूषक सूचकांक है क्या होते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द एयर क्वालिटी स्टेटस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम इन ए गिवन एनवायरनमेंट, कि जो एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जाती है, क्यों की जाती है भाई, कि एयर क्वालिटी का स्टेटस पता करने के लिए, इसकी इफेक्टिवनेस पता करने के लिए। अब ये पता कौन करता है? एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम, किसमें? जो भी एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर टू इवेल्यूट द स्टेटस ऑफ ओवरऑल एयर पोल्यूशन सिंस द पोल्यूटेंट्स हैव सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द लिविंग बींग्स। जो भी सजीव प्राणी हैं, ठीक है, उनके साथ एयर पोल्यूशन के क्या प्रभाव है, कितना एयर में पोल्यूशन होता है जो नुकसानदायक होता है लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है, सजीवों के लिए। तो ये जो ओवरऑल एयर पोल्यूशन का स्टेटस है, इसको इवेल्यूट करते हैं किसके द्वारा? एयर पोल्यूशन सूचकांक के द्वारा। हैंज़ दी कम्बाइंड एंड इंडिविजुअल एयर पोल्यूशन इंडिसेस नाउ कॉल्ड एयर क्वालिटी इंडिसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लानर एंड डिसीजन मेकर। ये जो एयर पोल्यूशन इंडिसेस है, ये यूजफुल होता है, रिक्वायर होता है किसके लिए? जो प्लानर होते हैं और जो डिसीजन मेकर, जो भी डिसीजन लेते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उनके लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। ए टिपिकल एयर पोल्यूशन इंडेक्स इज एन इंटरप्रेटिव टेक्निक विच ट्रांसफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स डाटा ऑन मेजर्ड एटमोस्फेरिक पोल्यूटेंट कंसेंट्रेशन इन टू ए सिंगल नंबर और सेट ऑफ नंबर इन ऑर्डर टू मेक द डाटा मोर मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो ये जो पॉल्यूशन इंडेक्स है, इसका काम क्या होता है, कि ये इंटरप्रेटिव टेक्निक है। अब इससे क्या हेल्प मिलती है हमको, कि जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन है, मतलब वातावरण में पोल्यूटेंट के जो भी कंसंट्रेशन है, ठीक है, अब वो सिंगल भी हो सकते हैं या फिर उनका एक सेट भी हो सकता है, सेट ऑफ नंबर्स, इन ऑर्डर टू मेक द डाटा मोर मीनिंगफुल। जो भी डाटा होता है उसे और भी मीनिंगफुल बनाने के लिए और समझने योग्य बनाने के लिए ये एयर पोल्यूशन इंडिसेस की, ये सूचकांक की हमको रिक्वायरमेंट होती है। एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स मे बी डिफाइंड एज ए स्कीम दैट ट्रांसफॉर्म्स द वेटेड वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल एयर पोल्यूशन रिलेटेड पैरामीटर्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड कंसनट्रेशन और विजिबिलिटी, इन टू ए सिंगल नंबर और सेट ऑफ नंबर फिगर। इन मोस्ट एलैबोरेट फॉर्म एन एयर क्वालिटी इंडेक्स कंबाइंस मैनी पोल्यूटेंट्स इन सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू अराइव एट ए सिंगल नंबर फॉर एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो देखो, ये एक स्कीम है जो क्या करती है, ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एयर पोल्यूशन। इंडिविजुअल एयर पोल्यूशन है, उनकी वैल्यू को क्या करती है, ट्रांसफॉर्म। अब वैल्यू जो एयर पोल्यूशन है, अब उनमें कौन कौन से पैरामीटर है, एग्जाम्पल के हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है
इसका कितना कंसंट्रेशन है या फिर विजिबिलिटी कितनी है, इन सब का। अब ये एक नंबर में भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सेट ऑफ नंबर्स भी हो सकता है। ये जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन रिलेटेड पैरामीटर है इनका, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स कंबाइंस मैनी पॉल्यूटेंट्स, कि उसमें एक पॉल्यूटेंट नहीं होता, उसमें एक से ज़्यादा मतलब कई पॉल्यूटेंट होते हैं, और जिनका कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसमें पैरामीटर दिखा रखे हैं, पैरामीटर एक्स वन, पैरामीटर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड एक्स एन, मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो सारे हैं ये क्या इंडेक्स, द पर्पज बिहाइंड एयर पोल्यूशन इंडेक्स इज ओनली टू इंडिकेट द एम्बियंट एयर क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सिटी, जियोग्राफिकल रीजन और द कंट्री एज ए होल। मतलब इसका जो पर्पज होता है एयर पोल्यूशन इंडेक्स के पीछे जो पर्पज होता है वो क्या है, कि एम्बियंट एयर क्वालिटी जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल सिटी के लिए एम्बियंट एयर क्वालिटी को इंडिकेट करना। अब इंडिकेट कैसे, जियोग्राफिकल रीजन और द कंट्री एज ए होल, या तो किसी इंडिविजुअल एक सिटी के लिए या फिर पूरी कंट्री के लिए, ठीक है, इसको इंडिकेट करना किसे, एम्बियंट एयर क्वालिटी को। तो ये पर्पज होता है एयर पोल्यूशन इंडेक्स का। फर्दर दिस एग्रीगेट मेजर शुड बी अंडरस्टेबल टू ए लेमन और द जनरल पब्लिक। और इसके बाद ये जो डाटा है, ये जो मेजरमेंट किया जाता है, इसको किसके द्वारा समझा जाता है, लेमन या फिर जो जनरल पब्लिक होती है उसके द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स के डेवलपमेंट की। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स, कि ये एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स का ही एक पार्ट है। इट मे बी सेड दैट द फर्स्ट एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स डेवलप्ड बाज द हेल्थ इंडेक्स लोहानी 1984। तो जो फर्स्ट एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स है जो डेवलप हुआ वो था हेल्थ इंडेक्स लोहानी में 1984 में डेवलप हुआ। दिस हेल्थ इंडेक्स बाज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो ये जो हेल्थ इंडेक्स है ये किस पे आधारित था, डिग्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग पे, ठीक है, कि जो ह्यूमन है वो इसकी जो ये पढ़ने यहाँ पे देखा है हेल्थ इंडेक्स, इसको इसका नाम जो यहाँ पे ये जो एक बनाया इसका नाम हेल्थ इंडेक्स है, कि ह्यूमन इसका कितना डिग्री सफ़र कर सकता है, ठीक है, जो ह्यूमन हेल्थ होता है उसके हिसाब से। इन 1960 द नेशनल वेलफेयर फेडरेशन NWF ऑर्गेनाइजेशन ऑफ US स्टैंडर्ड डेवलपिंग EQI एंड इट गेन ए नेशनल पिक्चर। तो नेशनल वेलफेयर फेडरेशन है, उसने ऑर्गेनाइज किया US, वही एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स, एंड इट गेन ए नेशनल पिक्चर। और इसमें क्या गेन किया, एक नेशनल पिक्चर। दी कैटेगरीज इंक्लूडेड इन द EQI वर सॉइल, टिम्बर, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, वाटर एंड एयर। द सेवंथ कैटेगरी लिविंग स्पेस वाज एडेड इन 1970, किम्बल 1973, ठीक है। तो सेवंथ कैटेगरी है वो लिविंग स्पेस के लिए, वो ऐड कब की गई, 1970। द आइडिया बिहाइंड द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज नॉट न्यू। इसके पीछे जो आइडिया था वो नया नहीं था, AQI के पीछे जो आइडिया था एयर क्वालिटी इंडेक्स के वो नया नहीं था। टू द प्रेजेंट वर्ल्ड, आधुनिक जो संसार है मतलब जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इसके अकॉर्डिंग वो नया नहीं था। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 1966 वॉल्यूम 2 डिस्क्राइब द फॉलोइंग माइथ द समरियंस क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइटिंग हैड थाउजेंड्स ऑफ गॉड बट फॉर वर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट एंड लिट द गॉड ऑफ एयर एंड
द गॉड ऑफ वाटर, निनुरसंगा द अर्थ गोडेस एंड एन गॉड ऑफ द स्काई. इफ वी रिगार्ड द फर्स्ट थ्री एज रिप्रेजेंटिंग द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फोर्थ एज गिविंग ए वर्ड्स आइज व्यू ऑफ द अदर्स, वी हैव ए सक्सिंक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स 4500 ईयर्स ओल्ड सेंशन 1977. तो देखो ये यहाँ पे जो चार फैक्टर बताए गए हैं, चार कंपोनेंट है, किसके अंदर बताए गए हैं, ये वॉल्यूम सेकंड है, ये बुक है, ठीक है. तो इसमें जो चार कंपोनेंट बताए गए हैं इनमें पहला है, फर्स्ट है क्यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइटिंग हैड थाउजेंड्स ऑफ गॉड बट फोर वर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, द गॉड ऑफ एयर, द गॉड ऑफ वाटर, द अर्थ गॉडेस एंड गॉड ऑफ द स्काई. इनमें से ये जो तीन है, थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ये जो तीन कंपोनेंट है ये एनवायरनमेंट के, ठीक है. और जो लास्ट है ये स्काई, गॉड ऑफ द स्काई, ये किसके लिए, बर्ड्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स. आगे हम देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स विच वाज नोन एज एयर पोल्यूशन इंडेक्स सैनफील्ड 1970 थॉमस 1971 हैज़ बीन डेवलप्ड एंड डिसेमिनेटेड बाय मैनी एजेंसीज. देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एयर क्वालिटी इंडिसेस एज मोस्ट ऑफ देम हैव कंसिडर्ड ओनली वन और ए फ्यू एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल एयर क्वालिटी. सैनफील्ड 1970 बिसेल 1972 लेबले एंड राव 1972 एंड थॉमस 1972, ठीक है. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स विच वाज नॉन एज एयर पोल्यूशन इंडेक्स AQI, जिन्हें हम API के नाम से भी जानते हैं, तो इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षण में अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स. द हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इज डिजाइन टू टेक अकाउंट ऑफ थ्री मेजर एस्पेक्ट ऑफ एयर क्वालिटी. इन एवर 1975 फर्स्ट द इंडेक्स ऑफ स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स इज डेरिव्ड फ्रॉम फिजिकल मेजरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सो ऑन इन मैनी लार्ज अर्बन एरियाज. तो देखो इसके हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इसमें देखो तीन मेजर एस्पेक्ट हैं जिनको अकाउंट मतलब कंसीडर किया है, ठीक है. वो है इंडेक्स ऑफ स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट इज डेरिव्ड फ्रॉम फिजिकल मेजरमेंट. फिजिकल मेजरमेंट से जो स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स डेरिव्ड होते हैं वो, ठीक है. अब ये किसके होते हैं, पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स के. इनमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी अन्य पॉल्यूटेंट इसमें शामिल है, ठीक है. अब ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, लार्ज अर्बन एरिया, जो भी शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें ये हमको देखने को मिलते हैं. सेकेंडली एन इंटर अर्बन एरिया क्वालिटी इंडेक्स कैन डिस्क्राइब एयर क्वालिटी अराउंड द अर्बन एरियाज. दिस इज प्राइमरली ऑब्टेन बाय मेजरिंग द विजिबिलिटी एट एयरपोर्ट्स विच आर जनरली लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिटीज. देखो ये हमने अभी बात की जो फर्स्ट इंडेक्स थे उनकी, अब सेकंड की यदि हम बात करते हैं तो जो इंटर अर्बन एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं. तो देखो जो अर्बन एरिया है उनके चारों ओर जो एयर की क्वालिटी होती है उससे इनका पता लगाते हैं. दिस इज़ प्राइमरी ऑब्टेन बाय मेजरिंग द विजिबिलिटी एट एयरपोर्ट्स. अब सबसे पहले कैसे मेजर करते हैं इसको, प्राइमरी इसको मेजर करते हैं जो एयरपोर्ट्स है उसकी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग विच आर जनरली लोकेटेड एट सम डिस्टेंस, जो कि कुछ दूरी पे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, ठीक है. कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिटी, सिटी के सेंटर से कुछ दूरी पर लोकेटेड होते हैं, वहाँ से प्राइमरीली इसका जो मेजरमेंट है वो किया जाता है. फाइनली द एयर क्वालिटी इन द विक्टिनिटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज वेयर द इंडेक्स इज ऑब्टेन बाय इवेल्यूटिंग द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट ऑन सराउंडिंग
vegetation, soil, water and wildlife in the countryside in Avar 1975, Lohani 1984. As physical measurements become difficult in industrial areas, the industrial emission index is calculated on the basis of estimated emission of particular air pollutant. Babcock 1970, Babcock and Nagda 1972. These indices are reported in varying formats and grouped into different categories depending on time, space, etc. तो देखो क्या होता है कि ये जो कैटेगरी है इनकी, जो ये वायु प्रदूषक जो भी सूचकांक है, इनकी जो कैटेगरी है ये अलग समय पे अलग स्थान पर अलग अलग होती है, ठीक है। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं यहाँ से हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इन एवर ने 1975, लोहानी ने 1984, एज फिजिकल मेजरमेंट बिकम डिफ़िकल्ट इन इंडस्ट्रियल एरिया। जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उनमें जो फिजिकल मेजरमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। द इंडस्ट्रियल इमिशन इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड इमिशन ऑफ पर्टिकुलर एयर पोल्यूटेंट, कि इंडस्ट्रियल उत्सर्जक मतलब औद्योगिक उत्सर्जक जो होते हैं उनके कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, हम जो ये पोल्यूटेंट उत्सर्जक होते हैं इनका हम पता लगा सकते हैं। और ये जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी राय यहाँ पे प्रस्तुत की, और जो इन्होंने अलग अलग टाइम पे, जैसे इन हैबर की हम बात करें तो इन्होंने 1975 में भी ये बात बताई, लोहानी की बात करें तो 1984 में, बेबकॉक और नागडा की बात करें तो 1972 और 1970 में, ठीक है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो फाइनली है वो ये है कि जो एयर पोल्यूशन सूचकांक है इनको हम ये इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो वेरिंग मतलब बदलती रहती है। तो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे और स्पेस पे। तो सब ने इसके बारे में अलग अलग क्या दिए, सुझाव दिए। अब इसकी बात करें हम कैटेगरी की, ठीक है, पहले हमने डेवलपमेंट देखा, अब हम बात करते हैं कैटेगरी। तो देखो द एयर क्वालिटी इंडिसेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, इनको दो कैटेगरी में रखा गया है, द शॉर्ट टर्म इंडिसेस एंड द लॉन्ग टर्म इंडिसेस। मतलब एक तो शॉर्ट टर्म कुछ और एक लॉन्ग टर्म सूचकांक। तो शॉर्ट टर्म सूचकांक की बात करें तो द लोकल एयर क्वालिटी कुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय दीज इंडिसेस। तो शॉर्ट टर्म इंडिसेस के द्वारा जो एयर की लोकल एयर की जो क्वालिटी होती है उसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दीज आर यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली एंड वाइडली, और इसका अधिकांश उपयोग किया जाता है बाय द लोकल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज इन यूएस। यूएस में लोकल और स्टेट पॉल्यूशन जो कंट्रोल एजेंसी है उनके द्वारा शॉर्ट टर्म इंडिसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। डेली चेंज इन एयर पोल्यूशन लेवल आर इंटर इनफर्ड एंड डिसएमिनेटेड टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक, थॉर्न एंड ऑक 1976। अभी जो साइंटिस्ट है थॉर्न एंड ऑक, इसने बताया 96 में कि जो डेली चेंज होता है एयर पोल्यूशन लेवल का जो डेली चेंज होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो ये जो जनरल पब्लिक है मतलब जो नॉर्मल जनरेशन है जो पब्लिक है इसको इन्फॉर्म करना डिसेमिनेटेड होता है, ठीक है ना। द शॉर्ट टर्म इंडिसेस इंक्लूड द एक्सट्रीम वैल्यूज इंडेक्स और ट्रियो एयर पोल्यूशन इंडेक्स, ऑक रिज एयर क्वालिटी इंडेक्स, ग्रीन्स इंडेक्स एट्सेट्रा। जो शॉर्ट टर्म सूचकांक होते हैं इसमें क्या, इसके अंदर किस किस को शामिल किया गया है, एक्सट्रीम वैल्यू इंडेक्स को, ओंटेरियो एयर पोल्यूशन इंडेक्स को, ऑक रिज एयर क्वालिटी इंडेक्स को, ग्रीन इंडेक्स को, और ऐसे ही और भी इंडेक्स हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म इंडिसेस में शामिल करते हैं। लॉन्ग टर्म इंडिसेस की बात करें तो दीज आर यूज टू इवेल्यूट चेंज इन एयर क्वालिटी ऑफ ए नंबर ऑफ प्लेस अक्रॉस ए कंट्री और रीजन ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। तो लॉन्ग टर्म इंडिसेस की बात करें तो ये इवेल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, एयर क्वालिटी में जो चेंज होते हैं उनके इवेल्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे, प्लेस अक्रॉस ए कंट्री और रीजन, किसी क्षेत्र के लिए या फिर किसी एरिया के लिए,
किसी क्षेत्र के लिए या किसी देश के लिए। इसका टाइम भी मतलब यहाँ पे लिख रखा है ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, मतलब कई सालों का हम यहाँ से पता लगा लेते हैं। दी सोल पर्पज ऑफ दिज इंडिसेज इज़ टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एनफोर्समेंट पॉलिसीज इन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, थॉर्न एंड ऑट 1976। एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इंडिसेज आर मीटर एयर क्वालिटी इंडेक्स, पॉल्यूशन इंडेक्स एट्सेट्रा। तो लॉन्ग टर्म इंडिसेज की बात करें तो इसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि एयर क्वालिटी की इफ़ेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए और एनफोर्समेंट पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए। एयर क्वालिटी की जो एनफोर्समेंट पॉलिसी है और इफ़ेक्टिवनेस है, इनको इम्प्रूव करने के लिए और पता लगाने के लिए हम लॉन्ग टर्म इंडिसेज का यूज करते हैं। यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहाँ पे आप दिख रहा है। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स को दो भागों में बांटा है, इंडेक्स स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स इन अर्बन एरियाज, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इमिशन मेनली रूरल एरिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स अर्बन एरिया की बात करें तो इसको छः भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, हम देख सकते हैं। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कोफिशियंट ऑफ हेज, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, टोटल ऑक्सीडेंट्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और तीसरा इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स को बांटा है वो है अराउंड अर्बन एरियाज, मतलब अर्बन एरिया के चार ओर, इंडेक्स ऑफ इंटर अर्बन एयर क्वालिटी। तो इसके हिसाब से भी इसको एक भाग में बांटा है वो है विजिबिलिटी ऑफ एयरपोर्ट। तीसरे की बात करें रूरल एरिया की तो यहाँ पे दो भागों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को यहाँ पे डिवाइड किया है, जिनमें इंडस्ट्रियल ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर के इंडस्ट्रियल ऑक्साइड एंड इंडस्ट्रियल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। ये जो डायग्राम है हमने देखा, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके लिए ये स्कीमेटिक डायग्राम है। द लिटरेचर ऑन एयर पोल्यूशन इंडिसेज हैज़ प्रीवियसली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इंडिसेज, लिटिल एम्फेसिस वाज गिवन टू द शॉर्ट टर्म इंडिसेज, ठीक है। तो द लिटरेचर ऑन एयर पोल्यूशन इंडिसेज हैज प्रीवियसली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इंडिसेज एंड लिटिल एम्फेसिस वाज गिवन टू द शॉर्ट टर्म इंडिसेज। इसमें दोनों का ही यूज किया गया है, शॉर्ट टर्म इंडिसेज का और लॉन्ग टर्म इंडिसेज का। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।